सीएम गहलोत महिलाओं को एक और सौगात देंगे। इंदिरा गांधी स्मार्ट फोर्ट योजना का शुभारंभ आज होने जा रहा है। सीएम गहलोत आज 12 बजे शुभारंभ करेंगे। बिरला सभागार में होगा कार्यक्रम का आयोजन। पहले चरण में 40 लाख से ज्यादा महिलाओं को मोबाइल दिए जाएंगे। चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना से जुड़ी महिला मुखिया को दिए जाएंगे ये मोबाइल। एक और सौगात मुख्यमंत्री की ओर से, जहां महिलाओं को स्मार्टफोन वितरित किए जाएंगे। इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना का शुभारंभ आज होगा। सीएम गहलोत आज 12 बजे इसका शुभारंभ करेंगे। बिरला सभागार में इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया जाएगा और पहले चरण में 40 लाख से ज्यादा महिलाओं को मिलेंगे स्मार्टफोन। चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना से जुड़ी महिलाओं को मिलेंगे ये स्मार्टफोन। बड़ा दिन, एक और सौगात प्रदेश की महिलाओं के लिए, जहां पर मुख्यमंत्री स्मार्टफोन वितरित करेंगे 40 लाख महिलाओं को। चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना से जुड़ी महिलाओं को 40 लाख से ज्यादा मोबाइल बांटे जाएंगे। बिरला सभागार में कार्यक्रम होगा और 12 बजे इसका शुभारंभ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत करेंगे। इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना के तहत, और इस पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे सहयोगी लोकेश ओला फोन पर जुड़ चुके हैं हमारे साथ में। लोकेश, एक और सौगात मुख्यमंत्री की तरफ से, क्या कुछ जानकारी? देखिए, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की एक महत्वपूर्ण योजना महिलाओं को मोबाइल लेने की डिजिटल क्रांति से जोड़ने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक बड़ी योजना लॉन्च की थी और इसी के तहत घोषणा की थी और इसी के तहत आज इस योजना का शुभारंभ होने जा रहा है। प्रदेश के आधी आबादी यानी कि महिलाओं को मोबाइल देने का काम मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कर रहे हैं। इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना का शुभारंभ आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बिरला ऑडिटोरियम से करेंगे, जहां पहले चरण में 40 लाख महिलाओं को मोबाइल फोन दिए जाएंगे। और देखिए, इस मोबाइल फोन योजना के तहत जो वितरण का जो कार्यक्रम है उसके लिए अलग अलग ब्लॉक स्तर पर, प्रत्येक ब्लॉक स्तर पर कैंप लगाए जा रहे हैं। इन पे कैंपों में स्मार्टफोन महिलाओं को दिए जाएंगे। जब तक पहले चरण के अंदर 40 लाख महिलाओं को शामिल किया गया है, इन 40 लाख महिलाओं में कक्षा 9 से 12 तक अध्ययनरत छात्राओं, इसके अलावा कॉलेज, आईटीआई, पॉलिटेक्निक कॉलेजों में अध्ययनरत छात्राओं, यानी कि कॉलेज में वो जो राजकीय कॉलेज हो, राजकीय आईटीआई। लोकेश, ये जो छात्राएं हैं स्कूल की, कॉलेज की, इनको चिन्हित कैसे किया गया है, किस तरह से? क्योंकि चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना से जुड़ी महिलाओं को मिलेगा, लेकिन ये जो स्कूल कॉलेज की छात्राएं हैं, किसे मिलना चाहिए, किन किन स्कूलों को, किस तरह से इनका चिन्हीकरण किया गया है? देखिए, मुख्य रूप से जन आधार कार्ड के तहत इनको जोड़ा गया है। जन आधार कार्ड सरकार की ओर से बनाया गया था और उसमें चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना का जो लाभ ले रहे परिवारों को शामिल किया गया। हालांकि प्रदेश के करीब 90% जो लोग हैं वो चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के दायरे में हैं, तो 90% लोगों को नहीं मिल रहा है। फिलहाल 40 लाख जो संख्या है उसको शामिल किया गया है। इसके अंदर देखिए, अलग अलग श्रेणी की महिलाओं और बालिकाओं को इसमें शामिल किया गया, जिसमें राजकीय कॉलेज और राजकीय स्कूलों में अध्ययनरत कक्षा 9 और 12वीं तक की छात्राओं को मुख्यमंत्री की महिलाओं को सशक्त करने की, छात्राओं को, बालिकाओं को आगे बढ़ाने की ये जो पहल है, जरूर से इसे बहुत फायदा मिलेगा। और एक और सौगात देने जा रहे हैं, आपसे फिर जोड़ेंगे लोकेश जानकारी के लिए। धन्यवाद।